सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि राहु का दुष्प्रभाव कैसा होता है। अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में राहु अशुभ है, उसका दुष्प्रभाव है, तो उसके क्या परिणाम मिल सकते हैं और उससे बचने के लिए कौन से उपाय आप लोग कर सकते हैं। देखिए, राहु एक रहस्यमय ग्रंथ रहस्यमय एक ग्रह माना जाता है। राहु अगर अशुभ होता है तो जातक अधिक जूठा एवं मक्कार बना देता है उसको। जातक को बेवजह काल्पनिक भय उत्पन्न करवाता है राहु। कई बार राहु के दुष्प्रभाव के कारण जातक अपयश एवं कलंक का भी भागी बनता है। धोखाधड़ी एवं छल कपट की प्रवृत्ति जातक में प्रबल हो जाती है अगर राहु बहुत ही अशुभ है। राहु के दुष्प्रभाव के कारण व्यक्ति की वाणी में भी कठोरता आती है और व्यक्ति नशे के कार्य में ज़्यादा रुचि लेने लगता है। राहु व्यक्ति को उसका दुष्प्रभाव व्यक्ति को निष्ठाहीन बना देता है और अपनी नैतिक जवाबदारी से ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वो भटका देता है। देखिए, राहु के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। अगर आप इसके लिए दान करना चाहते हैं तो दान भी एक सर्वश्रेष्ठ उपाय है। राहु के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए जातक को काले कपड़े, खट्टे फल, सरसों का तेल, तिल का तेल एवं गुड़ का दान करना चाहिए। इससे राहु का दुष्प्रभाव कम होता है। गाय को हरा चारा खिलाने से भी राहु का दुष्प्रभाव कम होता है। राहु के जितने भी दुर्गुण हैं, जैसे कि झूठ बोलना, छल कपट करना, लाचार व्यक्ति के लिए अपने मन में हीन भावना रखना, ऐसे सारे कर्मों से दूर रहे तो राहु का दुष्प्रभाव कम रहेगा। सेहत की दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो राहु वायु तत्व का प्रतीक है, वायु तत्व का कारक है और इसके दुष्प्रभाव के कारण गैस, बदहजमी, कफ, ऐसे सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, इत्यादि प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए आप लोगों को हरी सब्जियों का ज़्यादा सेवन करना चाहिए एवं पनीर है, फिर मटर है, गोभी है, ऐसी सारी चीज़ों का सेवन आप लोग रात में ना करें। बुद्धि और विवेक के ऊपर अगर राहु का दुष्प्रभाव है तो जातक को भ्रामरी एवं शीतलीकरण प्राणायाम करने चाहिए। इससे बुद्धि एवं विवेक पर उसका दुष्प्रभाव कम होता है। अगर राहु का बहुत ही ज़्यादा प्रकोप है तो राहु शांति का अनुष्ठान करवाना चाहिए। रविवार की दोपहर को भैरव जी के मंदिर में जाए और उनके दर्शन करें। इससे जो भी राहु के दुष्प्रभाव के कारण अगर कोई घटना होने वाली है तो वो घटित नहीं होती, अब बच जाते हैं। व्यापारिक और नौकरी पेशे में अगर राहु का दुष्प्रभाव ज़्यादा है तो गणेश जी की पूजा करें और गणेश जी को आप लोग दुर्वाया चढ़ाएं एवं गणेश जी का अनुष्ठान करें। इससे राहु का प्रभाव कम होता है, दुष्प्रभाव कम होता है। और भी अगर हम और उपाय देखें तो हनुमान जी की अगर आप पूजा करते हैं हर शनिवार या मंगलवार को तो भी राहु का प्रभाव कम होता है, उसका दुष्प्रभाव कम होता है। और भगवान शिव की शरण लेने से एवं उनकी नित्य पूजा करने से भी राहु का दुष्प्रभाव कम होता है। राहु ही है जो व्यक्ति को राजनीति में लाता है, लेकिन बदनामी का कारक ग्रह भी राहु ही है। अगर व्यक्ति राजनीति में है और अगर उसके कर्म अच्छे नहीं है तो बदनामी भी राहु ही करवाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आपके ऊपर राहु का दुष्प्रभाव है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।